जी तो सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। तो आज हमारा जो नया व्लॉग है वो आज हम एक ऐसे शहर का विजिट करने जा रहे हैं जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली दफ़ा जा रहा हूँ, और ये बहुत प्यारी सिटी है पाकिस्तान की, और वहाँ माशाल्लाह एक समंदर भी है। इंशाल्लाह हम बहुत इंजॉय करेंगे और आपको सारी वीडियो साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। तो इस प्यारे शहर का नाम है कराची जी। तो हम कराची जा रहे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ, और आज सबसे जो मुझे मज़े की चीज़ लग रही है जो हमने इधर से, तो हम बस पे जाएंगे मामू कांजन से, तो आगे फैसलाबाद से हम ट्रेन पे जा रहे हैं। हमने टिकटें खरीद ली हैं, शाम 5 बजे की हमारी टिकटें हैं, तो इंशाल्लाह हम कराची पहुँचेंगे। तकरीबन 16 से 17 घंटे का सफ़र बताते हैं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। हम आपको अपने साथ रखेंगे और आपको ट्रेन का सफ़र भी दिखाएंगे कि कैसा है, और इंशाल्लाह आपको फुल इंजॉय कराएंगे। ये बस का सफ़र है, हम मामू कांजन से फैसलाबाद के लिए निकल पड़े हैं जी। ये मेरे एक फ्रेंड है माम अली साहब, मम्मी साहब, और ये रबनवा साहब, ठीक है। तो ये देखिए सफ़र बड़ा मज़े का, अभी हम मामू कांजन से निकले हुए 2 मिनट ही हुए, मरीद वाले रोड पे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फैसलाबाद से हम ट्रेन पे सफ़र करेंगे। माशाल्लाह फैसलाबाद शहर में पहुंच चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे लगे हैं हमें मामू कांजन से यहाँ पहुंचने में, और अभी माशाल्लाह फैसलाबाद हम पहुंच चुके हैं। तो जी जनाब, अभी हम रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। तकरीबन इस टाइम 4:30 बजे का टाइम हो चुका है, आधे घंटे तक ट्रेन आ जाएगी, तो हम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। जा रहा है लाहौर से निकली हुई है, तकरीबन 5:45 बजे पहुंच जाएगी, अभी 3-4 मिनट रह गए, तो उनका वेट हो रहा है ट्रेन का, उधर से ही आएगी, और इंशाल्लाह फिर कराची के लिए हम अपना सफ़र जारी करेंगे, इंशाल्लाह आपको साथ ही रखेंगे। फिलहाल ट्रेन का वेट किया जा रहा है। स्टाफ एक सखर के पास स्टेशन में हुआ, वहाँ ट्रेन में उन्होंने पानी डाला, और तकरीबन 15 से 20 मिनट का स्टे था। अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट हमारा स्टे है, उसके बाद अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं अल्लाह के हुक्म से। जी तो हम हैदराबाद स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ 15 से 20 मिनट ट्रेन रुकेगी, सब लोग नीचे उतर के थोड़ा फ्रेश फील कर रहे हैं, तो इसके बाद फिर अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह 17 घंटे के बाद माशाल्लाह हम कराची पहुंच गए हैं। कराची बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ माशाल्लाह ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं जो कि लाहौर में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लाहौर से ज़्यादा जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 6 मंजिला तक है, और यहाँ से 17 से 18 मंजिले तो मैं देख चुका हूँ। और बहुत मज़े का शहर है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा खूबसूरत शहर है हमारा कराची। कराची जाएं और समंदर ना जाएं ये तो हो ही नहीं सकता था। तो कराची का जो समंदर का नज़ारा है ना, वो तो जब आप जाएंगे तब भी आपको पता चलेगा, इतना खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही हमने इंजॉय किया, इतना मज़ा मैंने लाइफ में कभी नहीं किया जितना मुझे समंदर पे जाके मज़ा आया। बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। और जब भी आप कराची जाएँ तो समंदर ज़रूर जाइएगा, ये मेरा एक आप सबके लिए एक मशवरा है। उसके बाद हम मज़ार कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे गए, वहाँ हमने काफ़ी टाइम गुजारा, बहुत ही ज़्यादा सुकून हमें वहाँ फील हुआ, तो हमने इसलिए काफ़ी टाइम वहाँ गुजारा। कराची के हम एक मशहूर म्यूज़ियम में गए जहाँ काफ़ी तादाद में प्लेन खड़े थे जो जंग के दौरान में यूज़ हुए थे। कराची में हम 3-4 दिन रुके, हमने फुल एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे। तो कराची बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारा पंजाब भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन कराची भी प्यारा है। वापसी में हमने ये प्लान किया कि हम बस पे सफ़र करते हैं और देखा जाए कि बस पे कितनी थकावट होती है। तो जाते हुए हम ट्रेन पे जो गए थे फैसलाबाद से कराची के लिए, वो 3200 था, और वापसी पे कराची से साहिवाल का किराया जो था बस पे वो 4200 था।